छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए शनिवार को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के ये परिणाम स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टिकाम ने जारी किया। 10वीं की परीक्षा में 74% विद्यार्थी पास हुए, जिसमें छात्राओं का प्रतिशत 78 तथा छात्रों का प्रतिशत 69 रहा। 12वीं की परीक्षा में 79% विद्यार्थी पास हुए, इसमें छात्राओं का प्रतिशत 81% और छात्राओं का प्रतिशत 77 रहा। वहीं दुर्ग जिले के BMY चरोदा के ग्राम जंजगिरी निवासी 10वीं का छात्र युगांत कुमार ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाने वाले BMY जंजगिरी निवासी युगांत कुमार का सपना है कि वह अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाते हुए अपने गांव अपने प्रदेश का नाम रोशन करे। युगांत कुमार के पिता नरेश कुमार साहू निजी स्कूल में शिक्षक है, वही माता शकुंतला साहू सरोरा हाई स्कूल में टीचर है। प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने वाले युगांत ने बताया कि कोरोना काल के दौरान वह घर पर ही रहकर नियमित पढ़ाई किया करता रहा है। इस दौरान उसे कंटेंट सहित अन्य जानकारियां स्कूल के शिक्षकों सहित पालकों से भी उपलब्ध होती रही है। मेरा नाम युगांत साहू है, मैं मानसरोवर स्कूल में पढ़ता हूं। मेरी मम्मी का नाम शकुंतला साहू है, भैया का नाम प्रखर साहू है, पापा का नाम नरेश साहू है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इसके लिए कितनी तैयारी की थी आपने? मैं छुट्टी के दिन शुरुआत से ही 10 से 12 घंटे पढ़ता था और स्कूल के दिन 5 से 6 घंटे पढ़ता था। कितने बजे स्कूल रहता था? स्कूल 8 से 1 बजे तक रहता था। किससे प्रेरणा मिली जैसे कि पढ़ाई करना है और अच्छा रिजल्ट लाके मार? अपने भैया से। भैया शुरुआत से ही कहते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, टॉप 10 में आना है करके। क्या बनना चाहोगे? मैं रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। वो अभी इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं शंकराचार्य कॉलेज से, उनका नाम प्रखर साहू है। भैया मुझे घर में मैथ्स साइंस सोशल साइंस सब पढ़ाते थे, उसी से हुआ। और स्कूल में ही थोड़ा बहुत था, लेकिन सेल्फ स्टडी से ज़्यादा हुआ। मैं रात को 11 बजे तक पढ़ता था और सुबह 5:30 से 6 के बीच उठता था, नहीं ट्यूशन नहीं जाता था। वही युगांत के माता पिता ने बताया कि युगांत शुरू से ही मेधावी है, वर्तमान में वह JEE की भी तैयारी कर रहा है। दो भाइयों में युगांत छोटा है, उसके बड़े भाई प्रखर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। युगांत मानसरोवर हाई स्कूल BMY जंजगिरी का छात्र है। जी मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है और पहले से मुझे यकीन था, मतलब इनकी मेहनत को देख के और इनकी एक्टिविटी को देख के मुझे पता था कि जरूर टॉप 10 में आएगा ही, ऐसा विश्वास था मुझे। शुरू से बचपन से ही ये मेघावी है, पढ़ाई लिखाई के प्रति इनका रुचि जो है शुरू से है। जी जी परिस्थिति जो भी हो, जैसे मेरे बच्चे लोग कोरोना काल में भी मतलब समय का सदुपयोग किए हैं, घर में ही रह के ऑनलाइन यूट्यूब आदि का प्रयोग करके इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट की है। कभी भी कोरोना काल है तो स्कूल नहीं लग रहा है तो ब्रेक करना है, ऐसा नहीं हुआ। जो भी कोर्स था इन्होंने यूट्यूब से ऑनलाइन से और कुछ घर के भाई से मेरे से गाइडलाइंस लेके अपनी पढ़ाई पूरी की। तो मैं सारे बच्चों से यही कहना चाहती हूँ, परिस्थिति जो भी रहे लेकिन अपने लक्ष्य पे लगे रहना चाहिए। जी मेरा नाम शकुंतला साहू है और मैं लेक्चरर हूँ संस्कृत की। अभी फ़िलहाल मैं सरोरा हाई स्कूल में पदस्थ हूँ। मैं नरेश कुमार साहू युगांत कुमार का पिताजी हूँ। मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ कि और आगे और इससे अधिक, ये जो सबसे अधिक अपने पढ़ाई में ही ध्यान अधिक देते थे, समय अधिक देते थे, तो इसका पढ़ाई संतोष पत्र रहता था पूरा। बहुत खुशी हो रहा है और मुझे लग रहा है कि मेरा मैंने भी मेहनत किया था इसके ऊपर तो मेरी भी मेहनत सफल हो गई ऐसा लग रहा है। और मेरा भी 10th में 1.1 नंबर से चूक गया था, तो मुझे जो गलती की थी मैंने 10th में उसको युगांत को बताया कि अब ये गलती अपने समय मत करो, तो इससे बहुत हेल्प हुआ। युगांत कुमार ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाकर अपने जिले सहित अपने प्रदेश का नाम रोशन किया है। हम सब की शुभकामनाएं युगांत के साथ है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।